ऐसे फाड़ फाड़ के देख रहे होते कि ओह माय गॉड, ये कैमरे में कैसे बातें कर रही है। हाँ से आ रही है। तो सॉरी। Get this basket. वॉलपेपर्स लगाए जा रहे हैं। कम बेबी कम। हट। सो फाइनली हमने लाइट्स भी लगा दी। करने वाली हूँ। नीचे कैसे गिर गए आप? उठो। किचन है तो लाइट्स हैं। कैमरा फोकस नहीं कर रहा ना। तो हाइड करने के लिए या फिर अपने बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए कितना शोर कर रहा ना बच्चा। चलते हैं ऊपर। होल्स दिख रहे हैं मेरे गेट में, कितने सारे हो। तो उस टाइम कितना आवाज कर रहा है ना बीच में। मैं जब भी कुछ दिवाली है। आज मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर कुर्ती बनाने वाली हूँ। मेरे पास थोड़ा सा फेब्रिक बचा है। तो फेब्रिक ना मेरी मम्मी ने अपने लिए कुर्ती बनाई थी। फेब्रिक बहुत ज्यादा बच चुका है तो मैं और मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया कि हम दोनों भी सिमिलर कुर्ती बनाएंगे और हम तीनों ना मतलब फोटो करेंगे कि हाँ हम तीनों सेम लगते हैं, सेम कपड़े पहने। तो इस तरीके का सोचा है। आई होप अच्छा जाएगा। तो जितने भी मेरे पास ड्रेसेस हैं, चाहे वो लहंगा है, गाउन्स है, कोई ड्रेस है, सूट है, प्लाजो है, वो सारी चीजें मैं अपने खुद ही स्टिच करती हूँ, बिकॉज मुझे पसंद है खुद के लिए स्टिचिंग करना। थोड़ा सा ना यहाँ पर डर लगता है। ये हमारा घर नहीं, ये मुझे लगता है इन्हीं का घर है। मतलब इतनी ज्यादा छिपकली, मतलब 3/4 तो है ही यहाँ पे। So yeah, it's my fabric and this is my machine washed kurti and this is my second kurti and this is my, मतलब ये मेरी मम्मी की है third। तो सो इन पिक्चर्स में सिर्फ हम दो ही हैं, मेरी सिस्टर नहीं आ पाई थी। सारा यहाँ का स्टफ था वो ये वाला स्टफ है जो हमने यहाँ पर एक के ऊपर एक चढ़ा रखा है। वाला पोर्शन हमने कट कर लिया है। नीचे मतलब गैस है पड़ा हुआ। सो किचन में हमने सिल्वरिश काइंड ऑफ पेपर लगाया है, इसका अलग आता है। एंड जो वॉल्स के लिए होता है वो वॉल पेपर्स आते हैं। दोनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा था। तो वॉल्स में जो आपको ये स्टेन्स या फिर दाग नजर आ रहे हैं ना, तो इनके ऊपर हमने अप्लाई किया है। बहुत ईजिली हो भी गया था। तो यहाँ पर ही मेरी सिस्टर है जो कर रही है। कुछ रूम्स की भी वॉल्स थी जो मैं आपको दिखा रही है इस तरह के स्टेन्स। सो जो वॉल पेपर्स थे उनको ये पील ऑफ कर रही है। हाय एवरीवन, सो आज है 10 नवंबर 2020। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पर कुछ मेडल्स भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो स्कूल में मुझे और मेरी सिस्टर को मिले थे। ये सारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। कुछ इसमें मैंने रखी हैं एंड कुछ मैंने अपने बेड के अंदर बिल्कुल रखे हैं स्टोर करके। काफी सारा स्टफ है मेरे पास। खुद ही पेंट किया था, थोड़ा सा मैं कलाकारी कर लेती हूँ। एंड लुक एट माई दीज पेंटिंग, आपको ये वाला भी दिखाई दे रहा होगा। फोकस प्लीज। ये पूरा मिरर, ये हमारा छोटा सा एक मिरर है। एंड दिस इज मी। हाय। क्या होता है, व्हाट इज दिस? कुछ भी बोलती हूँ। एरिया में काफी ज्यादा हम बैठते हैं, लेटते हैं, जिसकी वजह से ना ये वाली जो वॉल थी ना सबसे ज्यादा गंदी हो रही थी। जो हमारी बालकनी है ना, यहाँ से इतनी हवाएं आती है ना, मतलब शीत लहरें आती है। तो ये विंडो के आसपास एंड इस एरिया में भी हमने लगा दिया। तो ये हमारा है शू रैक वाला एरिया। हमारे पर्पलिश कर्टेन है, मैंने बाहर कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखा रहा लग रहा है ना, मेरा बैकग्राउंड कितना प्यारा लग रहा है। खुल जा सिम सिम। तो ये जो स्टिकर्स है ना, ये मैंने मेरे स्कूल टाइम पे लगाए थे, तब से यहीं पर है। होगा बेड के पीछे काफी गंदे गंदे से स्टेन्स पड़ जाते हैं। विंडो के भी इस साइड हमने लगाया है एंड वो आपको छोटे छोटे से झूमर दिखाई दे रहे हैं। वो हमने ना जब मैं 9th क्लास में थी, इस वाले एरिया से लेकर हमने पूरा बेड वाला आर पार पूरा लगा के एंड जैसे हम गेट से एंटर होते हैं ना, छोटा सा ही रूम है। ये वाला पेपर दिखाई दे रहा है, सिल्वर कलर का पेपर दिखाई दे रहा होगा ना, बिकॉज यहाँ पर सिंक है। सिंक का जो पानी आता है ना, तो जो इसके साइड्स हैं, पानी घुस रहा है और फिर ऐसे देखो दिख रहा है ना आपको, मॉइस्चर नजर आ रहा है। 1 वाला एरिया एंड दिस साइड 2 वाला एरिया। सो टुडे इज 12 नवंबर 2020 एंड हैप्पी धनतेरस। तो आज के दिन आप जितनी भी चीजें खरीदते हो तो लिटरली उसमें आपको 13 गुना आपको उसमें फल मिलता है। इतनी ज्यादा गंदगी घर से निकली ना लिटरली, अब आपको कहीं पर भी जाला वाला कुछ नहीं दिखाई देगा, बिकॉज मैंने इस रूम के पूरे जाले क्लीन किए हैं। लाइट्स ऑफ कर देते हैं, कितना गंदा हो रहा है मेरा घर। मैं यहाँ पर आ गई और ये हमारा छत वाला रूम है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में काफी ज्यादा सामान है। तो ये हमारा पुराना कूलर है, इसे हम अभी भी यूज करते हैं। और यहाँ पर हमारा पुराना सा टीवी ट्रॉली, जिसको हमने दुपट्टे से कवर कर रखा है बिकॉज इसे शर्म आती है। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रिशियन, से हाय। तो लाइटिंग बहुत ज्यादा कम है ना।
अबे यार यहाँ तो लाइट ही नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देगा। डन हो गया है, बहुत लाइट की कमी है यार इस घर में, लाइट ही नहीं है, क्या हो रहा है ये। ये सी दिस लाइट्स इज ऑन, झिलमिल लग रहा है। लाइट्स वाला बैग है जिसमें से हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी लाइट अच्छे से वर्क कर रही है। सो ये वर्क कर रही है, कुछ इस तरीके से हमारा मंदिर लग रहा है, चेयर्स पे चढ़ के लगा रही है। वाओ कितनी सुंदर लग रही है लाइट, मंदिर में लाइट्स लग चुकी हैं, आप देख सकते हो कुछ है कर्टेन ताकि हमारी इधर की लाइट्स आ जाती है, सुंदर सुंदर लाइट। एक लाइट है हमारे पास, तो उस लाइट पे हम ये वाला लगाना चाहते हैं। इस वाले स्विच बोर्ड से होते हुए यहाँ से ये फ्लैश ऑफ करने के बाद हमने गेट में कुछ इस तरीके से लगाया है। हमने लाइट्स वाला काम डन कर चुका है, डन कर चुका है। वाह वाह, मेरी हिंदी भी काफी ज्यादा अच्छी है मेरी इंग्लिश की तरह। इन्हीं वाली साइड है ना, इस वाली साइड में भी हम एक लाइट लगा देते हैं। बाहर से कुछ इस तरीके से है, पूरी लाइटनिंग में मैं कहीं नहीं आपको नजर आऊंगी बिकॉज ये मैं तो लगा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उसका थूक का से सही कर लेती, मिटा लेती पहले। सो चलिए बेडशीट भी लगा लेते हैं। हाई एवरीवन, सो टुडे इज 13 नवंबर 2020, टुडे इज छोटी दिवाली। सो आई रियली वांट टू विश यू अ हैप्पी हैप्पी छोटी दिवाली। सो फाइनली मैं निकाल आई हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर टेबल में रख दिया है। जो जो चीजें हमने कल मतलब धनतेरस पे बाय की थी तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ नहीं है, एक छोटी सी प्लेट है, ये जरूर जरूर लेनी चाहिए बिकॉज जो तांबे की या फिर पीतल की चीजें होती है ना वो शुभ होती है। हमने प्लेट ली है, अरे क्या ढमढम हो रहा है भाई। तो इस तरीके से प्लेट है ये, हाय वही है सेम। तो ये वाले कुछ इस तरीके से स्पून है, हमने ये वाला लिया है तो इसके भी पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा ये है क्या। कप एंड सॉसर तो ऐसे में चाहिए था मुझे, वैसे बहुत बड़ी चीज नहीं है बट स्टिल आई लाइक इट। मुझे व्हाइट कलर की चीजें काफी पसंद है, मतलब व्हाइट पेंट हो रूम में, व्हाइट फ्लोर हो, व्हाइट कारपेट हो, व्हाइट बेडशीट हो, व्हाइट व्हाइट हर चीज होना अगर तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। मेरे हाथ में आ गया है एंड ये मैं स्टेपलर से फिक्स करने वाली हूँ। हमारे गढ़वाल में क्या होता है कि कुछ भी अच्छा होता है तो हमारे यहाँ ना धुली हुई मूंग की दाल के पकौड़े बनाते हैं। अंधेरा कायम रहे मम्मा। सो ये है धुली हुई मूंग की दाल, इसके रात को बनेंगे पकोड़े। ये है हमारे गौत, हमने जैसे बॉईल करते हैं ना तो उसका पानी हो जाता है, तो उसका पानी अगर पी लेते होता है हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आदि बिल्कुल चाय जैसे लग रहा है कलर मम्मा वो कहाँ है जो आपने पीसा था सिलबट्टे में, ये फ्रिज में देखे दिखेंगे। अच्छा ये फ्रिज में नहीं, फ्रिज के ऊपर रखा है। ये एक दाल होती है उसको बॉयल करके पीस के पेस्ट बनाया और उसके भी पकौड़े बनेंगे ना मम्मी। झिलमिल 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 झिलमिल, कितना सुंदर झिलमिल है, कितना सुंदर। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हमारा घर देखो आप कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये कितनी कितना खराब लाइटिंग है, बहुत ही खराब निकल आया मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले सकती। अरे कैसे नहीं, आप लो, आपने कितना कुछ किया। चॉकलेट मुझे पता है चॉकलेट होगी, कितनी है ये। ये वाला ड्रेस मेरी सिस्टर को एज अ दिवाली गिफ्ट मिला है, मैं ट्राई करके देखने वाली हूँ। वैसे तो वो ही आई थिंक दिवाली नाइट पे पहनेगी। बट सो टुडे इज 14 नवंबर 2020 एंड टुडे इज दिवाली। सो आई वांट टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। की बेडशीट लगानी है बिकॉज हमने दिवाली के लिए न्यू बेडशीट ली है। मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर बेडशीट ऑलरेडी न्यू वाली लग चुकी है, एज यू कैन सी। इसे मैंने कहा था ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका हो। व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, व्हाई आर यू। काफी ज्यादा सुंदर है ना। सो अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो पाउडर लेने वाली हूँ जो मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, ये वाला पाउडर, ये है प्रोटीन पाउडर। तो ये कोई वेट गेन करने के लिए नहीं है, जितनी अमाउंट हमारी बॉडी में प्रोटीन का चाहिए होता है उसको ये पूरा करता है। ऐसे बस ग्लास लेना है, इसमें मैं वाटर मिलाऊंगी, मेरा ये वाला बॉटल तो हमेशा रेडी रहता है। स्पून लूंगी मैं, इसमें डाल। ओहो भैया गिराओ, आप गिराओ, वीडियो रिकॉर्ड करो और सारा वेस्ट करो। तो इसको मैं यहाँ डाल देती हूँ। सो यार इट्स रेडी टू टेक। आपको लग रहा होगा ना बहुत ज्यादा यमी यमी सा है बट मैं बता दूं ये टेस्ट प्लस है। मम्मा हाय करना जरा, मम्मा हाय बाय। तो
बाहर थोड़ा अच्छा लाइट है, सनलाइट तो ऑलवेज अच्छा रहता है। हमारे घर के बाहर पपीज हैं तो उसकी बात हो रही है। इसके 2 पपीज हैं, ये देखो इसको प्यार कर रही है, पीछे से आ रहा है, देखो ये रहा, कितना प्यारा है ना। मेरी मम्मी सारे व्हाट्सएप के स्टेटस चेक करी किसने कौन सी वीडियो पे क्या दिया क्या नहीं दिया। क्या देख रहे बताना, दिखा दो, लोग आपसे पूछना चाहते हैं। नंबर 1 में अगर कोई मुझे बोले कि फ्रूट में क्या हो सकता है तो मुझे बनाना पसंद है, इजी टू ईट। बेकार सा, बेकार, महा बेकार। मम्मी जोमेटो ने काजल को बोला हैप्पी दिवाली काजल, आप क्या करना चाहोगे जोमेटो को? स्विगी भी बोलता है। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज अभी बता दो, अभी आपने बोला था पापा बता दो प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज। यम्मी। ये एवेंजर्स जो देख रही है ये लेने वाले हैं, सो ये सारे जो हैं ये सब मेरे ही हैं। एक मैं ले लेती हूँ ग्लास, मैं वैसे फुल ग्लास ही ले लेती हूँ, इसको इसमें डाल देना है, करना है एंड 2 स्कूप्स इनफ होंगे। जब आप ब्लॉगिंग करते हो ना तो आपको बाहर से देखने वाले काफी सारे मिल जाते हैं, जाके फाड़ फाड़ के देख रहे होते कि ओह माय गॉड ये कैमरे में कैसे बातें कर रही है, क्या ये अपने आप से बातें कर रही है या फिर ये वीडियो कॉलिंग कर रही है, व्हाट द हेल। बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है दिस, इसमें आपको ये चीज मिली है हॉट गार्लिक, इसमें ये वाला बिस्किट है, कुछ एसेंशियल के न्यूट्री चॉइस, इसके अंदर ना चॉकलेट्स हैं, ये हर्शीज का है, ये आपको कुकीज देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अप इज हर्शीज का अगेन, एज यू कैन सी कॉफी विद अ क्यूट पैकेजिंग बिकॉज दिस इज अ कप नूडल, इज काजू मिक्सचर का कुछ नमकीन है। हाय फ्रेंड्स चाय पी लो, हाय मम्मी चाय पी लो। हाँ जा रही हूँ, मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप जवाब नहीं दोगे तो आपको क्या हम छोड़ देंगे? आप बिग बॉस में जाना चाहते हो, आप फुटेज लेना चाहते हो? तू क्या बार बार बोलने में लगी कि पका रही है? तू बार बार क्या बोलने में लगी? देखना तू बार बार क्या बोल रही है, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं। हाय फ्रेंड्स चाय, हाय एवरीवन। सो मैंने चेंज कर लिया है, अपनी सिस्टर का ड्रेस पहना था तो फाइनली उसने अपना ड्रेस पहन लिया, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है ना। तो तेरे सेंटर वाले मेरा ब्लॉग नहीं देखते, तो मैंने ये बोला उसपे तुझे अपने पे पसंद नहीं आ रहा, सो इसको ये ड्रेस अपने ऊपर पसंद नहीं आ रहा है, इसको अपना ड्रेस ऐसा लग रहा है जैसे ना पंडित जी पूजा के लिए रेडी हो जाते हैं कुछ तरीके। कितने फोड़ोगे, मतलब कम काम करो भैया, पॉल्यूशन कम करो। तो ये देख ले अपना सूट पहना है, ये वाला सूट जैसे मैं पहले भी वेयर कर चुकी हूँ, मतलब ये वाले इयररिंग्स भी मैं दोबारा से पहन रही हूँ, पहले भी पहना है, लिपस्टिक बहुत ज्यादा लाइट लगाया है, आईलाइनर लगाया है, एंड या आई एम रेडी। हम ऐसे ही रेडी होते हैं। हाँ मंदिर में जो लाइट्स लगाई थी ये फूक गई, बालकनी साइड में हमने जो लाइट्स लगाई थी रेड कलर की वहां से निकाला और उसे लगा दिया, दिख रहा है? सो फाइनली अब हम अपने मंदिर के लिए यहाँ पर दिया पूरा रेडी करने वाले हैं। मंदिर के पास थोड़ा सा एक छोटी सी रंगोली बना रही हूँ, एंड रंगोली भी क्या बनाना, शुभ लाभ लिख देते हैं, तो देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ यहाँ पे। बहुत दिक्कतों के बाद और ये पूरे हाथों में कलर लगाने के बाद रंगोली के नाम पे हमने बनाया है ये जो है स्वास्तिक। मम्मा जी आप यदि हो हम दिया करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद हम डांस करेंगे, डांस करेंगे।
ना कि बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी करी हैं जो मैंने ऑफ कैमरा ही कर दी, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने तो इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। एंजॉय करी या रिकॉर्ड करी, मतलब मुझे इतना इरिटेटिंग है ना, पूरी रात भर ये झेलना पड़ेगा।